दर्द की राह गुजर सर्द सी एक लहर जिंदगी का शहर बच के चलना यहाँ है राख फैली हुई किसका जला घर यहाँ चुभती है जो किरचियाँ टूटा था क्या आईना लफ्जों से खाली एक कहानी ये काम तो बहुत गलत किया है तुमने। जब उस बंदे की बेल हो गई थी तो उसे कस्टडी में रखने की जरूरत क्या थी, खासतौर पे जब कातिल पकड़ा जा चुका था। मैं थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी। हाँ मानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन पुलिस में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती है ना हमसे। मुजरिम के लिए तो बहुत आसान होता है कोर्ट से बेल ले लेना, लेकिन पुलिस के हाथ में कितने फंदे होते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन अब ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई है कि एक बंदा इस तरह मर जाता है। मैं बस दुआ कर रही हूँ कि उसकी डेथ नेचुरल ना हो, वरना बहुत मसला हो जाएगा हम सब के लिए। तुम्हें क्या लगता है? अपेरेंटली तो लगता है जहर दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही बता सकते हैं कि कौन सा जहर है। सूटकेस से जो लाश मिली थी उसको भी जहर दिया गया था। उसी तरह रिक्शे से एक लड़की आती है, नासिर के घर से खाना आता है, लड़की खाना देती है, रिक्शे पे आती है, जबकि नासिर की लाहौर में कोई फैमिली नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अचानक से घरवाली कहाँ से निकल आई। तुम लोगों ने उस लड़की को और रिक्शा वाले को ट्रेस करने की कोशिश नहीं की? कर रहे हैं। फिलहाल तो हमारे सीनियर्स हमसे बहुत नाराज हैं। दे आर वेरी अनहैप्पी विद मी एंड राइटली सो। आई डोंट ब्लेम देम। ओह बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने मना किया था सारा, क्या जरूरत थी ये करने की यार, केस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। अब हो गया मसला। आपने खबरें देखी हैं? नहीं, लेकिन मुझे पता है हर तरह की न्यूज चल रही है मेरे और मेरी टीम के अगेंस्ट। मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट वरी कोई ना कोई हल निकल आएगा, लेकिन प्लीज यार खुदा के वास्ते स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया। मैं पहले भी लाइमलाइट की शौकीन नहीं थी। हाँ लेकिन अब सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है ना सारा। देखो अगर पोस्टमार्टम में निकल आता है कि वो नेचुरल डेथ से मरा था तो सिचुएशन हाथ से बाहर हो जाएगी। और दुआ करो कि जो तुम लोग कह रहे हो कि पॉइजन हुआ था तो पॉइजन ही निकले, ताकि कम से कम हम ये तो कह सकें ना कि सुसाइड हुई थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगी। यही तो तुम्हारा मसला है। If you wanted to go by the book, तो उसको पकड़ के अंदर करना भी गलत था। That was also very unprofessional, सारा। हो गई गलती, उसी का तो भुगत रही हूँ। अच्छा खैर, don't worry, मैं भी केस फाइल्स निकालता हूँ और कुछ ना कुछ करता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कल बात करें, बहुत थक गई हूँ। कल बात होती है, but listen to me. सस्पेंड होना इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट वी डू। जो एक्सेप्शनल अफसर होते हैं ना वो अक्सर जिंदगी में सस्पेंड हो जाते हैं, तो समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? आई नो। गुड नाइट। Come on.
उड़ाते हुए एक बेगुनाह शख्स को हवालात में जान से मार दिया और अब इनके पास इन सवालात के जवाबात मौजूद नहीं कि नासिर को जमानत मिलने के बावजूद पुलिस ने किस कानून के तहत हवालात में कैद रखा है। और नाजरीन हम आपको बताते चले कि नासिर को कुछ दिन पहले सूट केस में मिलने वाली लाश केस में पुलिस की तहवील में दिया गया था, लेकिन पुलिस ने एक ईमान नामी हिजड़े को जरिश की मौत का कातिल करार देकर इस केस को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया और पुलिस ने जिन अफराद को इस केस में गिरफ्तार किया था उनमें से किसी को भी रिहा या आजाद नहीं किया। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, थक गई हूं, सोना चाहती हूं। तब नहीं करना मुझे। दो क्लाइंट्स भी आने वाले हैं, उन्होंने स्पेशल आपकी अपॉइंटमेंट ली थी। तुम हैंडल कर लो ना, कह दो कि मैं हूं ही नहीं। सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड वंस अगेन, एंड ही वाज अ कैमरामैन। अब तुम मुझे मरवाओगी सारा। तो फिर क्यों कहा था कि मेरी हेल्प की जरूरत हो मुझे बताना? ये थोड़ी कहा था कि इसी केस के लिए मेरे पास वापस आ। ये एक और केस है। 6 साल पहले एक कत्ल होता है, एक लड़की की एक पार्क में डेथ होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि जहर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन कातिल को पकड़ नहीं पाती। खुदकुशी लिख के केस बंद कर दिया जाता है, लेकिन 6 साल के बाद एक और कत्ल होता है, वही जहर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि इन दोनों में कोई लिंक है। तुम क्या देखना चाहती हो? लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, दो लोगों की जहर से डेथ हो गई, सो व्हाट? फुरकान एक कैमरामैन था और जरिश एक मॉडल। लिंक तो है शाज़े। क्या चाहती? तुम्हारी हेल्प। सस्पेंडेड हूँ, पुलिस ले जाकर घर सर्च नहीं कर सकती, लेकिन तुम कर सकते। पता नहीं अब ये केस मेरे ज्यूरिस्डिक्शन में है भी कि नहीं। कहाँ का केस है? तुम्हारी ही ज्यूरिस्डिक्शन का, चेक करके आ रही हूँ। आपसे तो मैं यही एक्सपेक्ट करता था। थैंक यू। सलामुलेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम पुलिस के लोग हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करनी है आपने? आप नादिया हैं, फुरकान की बीवी? जी मैं नादिया हूँ। हमें फुरकान के हवाले से आपसे कुछ बात करनी है। इस बात को तो 6 साल गुजर गए, आपने क्या बात करनी है? देखिए हम फुरकान का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहन आप अंदर आने की इजाज़त देती हैं? वरना अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन भी आ सकती हैं। जी जी आप आ सकते हैं। मेरे शौहर ने खुदकुशी नहीं की, नहीं कर सकता, वो खुदकुशी नहीं कर सकता। तब भी मैंने पुलिस से कहा था कि उसको कत्ल कर दिया गया है। उस दिन वो मुझे कराची लेके जा रहा था, वो मुझे ट्रेन की टिकट भी देकर गया था।
पुलिस कहती है उसने खुदकुशी कर ली, क्या कोई ऐसे खुदकुशी करता है? आपको किस पे शक है? बतूल। बतूल? कौन थी बतूल? उसने मेरे शौहर को फंसाया हुआ था, वो बेवफा नहीं था। पता नहीं उस औरत ने क्या जादू कर रखा था उसके सर पर। मुझे यकीन है कि उसी ने उसे कुछ खिलाया होगा। आपके पास आपके शौहर का कोई सामान है, उनका मोबाइल, कोई ऐसी चीज जिससे हमें बतूल के बारे में पता चल सके? जी। क्या हम देख सकते हैं? जी। थैंक यू। ये रहा उनका सामान। हालात तो बहुत ख़राब हुए लेकिन मैंने कुछ नहीं बेचा। उनकी यादगार है, उनकी आखिरी निशानी। बतूल से आपके शौहर की दोस्ती कैसे हुई? वो एक कैमरामैन थे और वो औरत एक स्टार बनना चाहती थी। शक्ल तो थी नहीं, पता नहीं खुद को क्या समझती थी। मेरे शौहर को इस्तेमाल कर रही थी बड़े बड़े डायरेक्टर से मिलने के लिए, और उन्होंने मिलवाया भी, लेकिन मेरी ही किस्मत ख़राब कि दोनों में चक्कर चल गया। आपके पास बतूल का कोई एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर? नहीं, मैं नहीं जानती। मैंने तुम्हें कहा था लिंक्ड हैं केसेस। सरिश के केस में भी एक बतूल थी, इस केस में भी एक बतूल निकल आई है। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ये। हो सकता है इत्तेफाक सारा। इनके बीच में 6 साल हैं। नहीं हो सकता शाहज़ाद, ये एक ही बतूल है। इस कसाब का शौहर हमारे पास अरेस्टेड है। 2 मर्डर हो चुके हैं और मुझे डर है कि तीसरा ना हो जाए। अगर नासिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोडियम साइनाइड आता है और अगर 3 मर्डर हो जाते हैं तो ये बतूल एक सीरियल किलर है एंड शी विल मर्डर अगेन। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स दिस स्टैचर सारा। सारा, आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशंस। सर, मैं कहने भी नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। एंड व्हाट इज दैट? मुझे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। नो, नो वे। सर प्लीज। सर, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। दिस मर्डर हैज़ डन बाय ईमान। देयर इज अ सीरियल किलर। हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट इट? सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने दी जाए। CM इज सो अपसेट विद द लास्ट एपिसोड। इट वॉज अ टोटल डिजास्टर। इमेज बिल्डिंग की एक एक्सरसाइज की थी उन्होंने, जो आपकी ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस और बेवकूफी की वजह से पेड़ा गरक हो गया। सर, अगर हम सीरियल किलर को पकड़ लेते हैं तो सारा क्रेडिट CM को जाएगा। एक मर्डर एंड अ स्ट्रिंग ऑफ मर्डर्स। सर खुद सोचे ना। व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट मी टू गेट योर सस्पेंशन ऑर्डर्स विदड्रॉन? सर, मैं कह रही हूँ कि मुझे मुअत्तल रहने दें, लेकिन सिर्फ ऑफिस में काम करने की इजाजत दी जाए, अनऑफिशियली प्लीज सर। फाइल भिजवाने में देख लूंगा। सॉरी। हेलो शाहज़ैन, अब क्या चाहती हो यार? जी सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर। भाई साहब, हमने आपसे जरा कोई बात करनी है, दोस्ताना तरीके से। तो आप हमें अंदर बुलाते हैं या आप हमारे साथ थाने भी आ सकते? आजे।
देखिए मैडम, केस खत्म हो गया और कातिल भी पकड़ा गया, और आपको पता है कि पुलिस ने भी मुझे छोड़ दिए, तो ये फिर आप बतूल के बारे में मुझसे क्या पूछने हैं? सिर्फ चंद सवाल। बतूल क्या मॉडल और एक्ट्रेस बनना चाहती थी? ये कैसा सवाल है? सादा सा सवाल है, वो बनना चाहती थी या नहीं? जी नहीं। फुरकान को जानते हैं आप? जी नहीं। आपकी बीवी घर पे है? जी नहीं। जी जी, घर पे हूँ मैं। तुम चुप करो। बस अब कुछ मत बोलना। तुम्हें किसी बात का नहीं पता? आज पुलिस को सब बताऊंगी मैं। देखिए, हमने आपकी बीवी से चंद सवाल करने हैं और आपने बीच में मुदाखलत नहीं करनी। अगर की तो मैं आपको और आपकी बेगम दोनों को थाने ले जाऊंगा, तो आप फैसला कर लें कि बात आपने करनी है या उन्होंने। प्लीज कंटिन्यू। बतूर और आपके शौहर की तलाक क्यों हुई? आवारा थी, चस्का पड़ गया था मॉडलिंग का, तंग करके रखा था इनको, पता नहीं किस किस के साथ दोस्तियां कर रखी थी उसने, तंग आकर तलाक दे दी इन्होंने। बतूल के किसी बॉयफ्रेंड फुरकान को जानती हैं? हाँ हाँ, पता है मुझे, पूरा मोहल्ला जानता है, किसी का भी दरवाजा खटका के पूछ लें फुरकान और बतूल की कहानी का। जब वो मरा था ना, तो सब कह रहे थे कि बतूल ने जहर देकर मारा है उसे। पर ये जो है ना, अभी तक उस केश में मुक्त है, जान छुड़ा ली है, तलाक दे दी है, पर जरा कुछ कह दूं तो लड़ने मरने पर आ जाते हैं। Very interesting. आप रابطے में हैं बतूल के साथ? जी नहीं। नहीं नहीं, रابطے में नहीं है, पर जरा बतूल पे कोई मुसीबत आती ना तो वो खुद आ जाती है इनसे रابطے में। आप जरा अपना नंबर दें मुझे। बतूल के माँ बाप का एड्रेस है आपके पास? जी जी, मैं देती हूँ आपको। ये सारा बेड़ा गर्क उन्हीं का किया धरा है। मेरा मियाँ तो बेचारा बेकसूर है, और पुलिस इनको ही पकड़ पकड़ के ले जा रही है। बतूल के बाप से जाके पूछे ना, क्या चुड़ैल पैदा करके दूसरों को चिमटा दिया। एड्रेस प्लीज। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, रियली लविंग दिस फेम फटाल सीन। हाँ, कुछ बात है इसमें। बात तो है, लेकिन बात बहुत डेडली है। मिस्टर कैसानोवा, पुलिस वाले आए हैं, कुछ खास बात करनी है। जरूर तुम्हारी बेटी का ही कोई किस्सा होगा। अच्छा बकवास बंद, जा जाके चाय और पानी बनाओ। आए जी। मुझे लगता है मैंने ऐसे कहीं देखा है। It's weird, but इसके फीचर्स मुझे किसी को रिमाइंड करवा रहे हैं। यह है बतूल, मेरी पहली बीवी के साथ उसकी बचपन की तस्वीरें हैं। पहली बीवी मर गई थी। हम दोनों में बहुत प्यार था, एक ही बच्ची थी बतूल, तब 10 साल की थी। फिर मैंने दूसरी शादी कर ली।
बतूल के सर पर मां होती ना तो कुछ और बनती, वो ना बनती जो वो बन गई थी। क्या बन गई थी? यही मॉडल, एक्ट्रेस, घूमना फिरना शुरू कर दिया था, घर में टिकती ही नहीं थी। जब भी आता था बीवी से सुनने को यही मिलता था, घर पे नहीं है, कभी कहीं, कभी कहीं। जितना उसने मुझे बचपन में तंग किया था, जवानों का उससे भी ज्यादा कर दिया। मोहल्ले के हर लड़के के साथ एक बाप होकर बेटी के बारे में कैसे बताया? ये सारी इसकी बचपन की तस्वीरें हैं, जवानी की कोई फोटो नहीं है आपके पास? थी, मैंने गुस्से में एक दिन एक जगह रखकर सबको जला दिया। ये तस्वीरें तो इसलिए बच गईं कि इसमें मेरी बीवी थी। आपके पास बतूल की एक भी तस्वीर नहीं है? आप उससे रابطے में हैं? उसका फोन नंबर है, पैसे भेज देती है या कभी खुद देने आ जाती है। अब क्या गुल खिलाया तुम्हारी बेटी ने? आपके पास बतूल की कोई तस्वीर है? मैंने क्या करनी है उसकी तस्वीर पा सकते? मेरी क्या लगती है वो? दो टके की इज्जत नहीं रखी उसने कभी, हमेशा मुझे सौतेली माँ ही समझा। अगर पैसे देने आते हैं तो अपने बाप को देने आती है, मुझे तो आज तक उसने एक धेला नहीं दिया। हालांकि इतनी अमीर हो गई है वो। आपको कैसे पता वो अमीर हो गई है? गाड़ी में आती है इतनी बड़ी, उधर डिफेंस में रहती है वो। एड्रेस है आपके पास उसका? हाँ है मेरे पास उसका एड्रेस, देती हूँ मैं अभी आपको। Looks like we have another place to go to. Let's see. Thank you. ये उसके ड्राइवर ने चोरी छुपे दिया था, जरा पता तो चले रहती कहां पे है ये। ये तो नासिर का एड्रेस है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बतूल नासिर के घर में उसके साथ रह रही है। लेकिन अगर बतूल नासिर के घर में रह रही है तो फिर सरीश कहाँ रह रही थी? हो सकता है कि वो भी नासिर के घर रह रही हो सकता है कि और कोई भी नासिर के घर रह रहा हो। मजाक वाली बात नहीं है, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि घर से जो खाना आया था वो बतूल लेकर आई थी नासिर के लिए, यानी कि बतूल हमारे पास आकर हमारे हाथों से निकल गई। मैं एक बार फिर नासिर के घर जाना चाहूंगी। सारा तुम सस्पेंडेड हो, हम इस तरह नासिर के घर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तुम्हारे नाम के साथ साथ मीडिया मेरा नाम भी रगड़ देगी। लेट मी थिंक अबाउट इट प्लीज। इसका कोई मैं हल निकालता हूं। ये घर है, लेट्स गो। थैंक यू। अच्छा भला पुलिस अफसर हूं और तुमने चोर चक्का बना दिया। मुझे तो लगा दीवार फैलांग के आना पड़ेगा, तुम्हारे पास तो चाबी। चोर चक्का तो बना दिया आपने, लेकिन एसपी तो मैं फिर भी हूं, चाबी बड़े बनाने वाले हैं मेरे पास।
घर में तो लग रहा है कोई नहीं है। घर तो खाली है। उसका बेडरूम आया। उठाओ। ये है उसका कमरा। ये ड्रॉर्स मैंने चेक किए थे। सारा तुमने ये देखा? हाँ, जरिश के कपड़े हैं। तुम्हें कैसे पता जरिश के हैं? ये बतूल के भी हो सकते हैं। नहीं, ये तो मेरे जहन में नहीं आया। नहीं, ये जरिश के ही हैं, बतूल के नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैं उसके माँ बाप से मिली हूँ। जो एज ग्रुप बतूल का है और जिस फैमिली बैकग्राउंड से है, उसकी चॉइस ये नहीं हो सकती। ये किसी स्लिम लड़की की है जो अपना ख्याल रखती है और वो जरिशी है। मुझे ऐसे लगता है बतूल नहीं है ये। तुमने दूसरा कमरा चेक किया? नहीं। क्या हुआ? कमरे में तो कोई नहीं है, लेकिन मैं और तुम सीसीटीवी कैमरा में पकड़े गए। हैरानी की बात है। क्या बात? यही कि कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा कौन लगाएगा? मैंने इस कैमरा की फुटेज देख ली। उसमें नासिर भी होगा, बतूल भी होगी और जरिश भी होगी, और जो वो लोग इस कमरे में कर रहे थे वो भी। सीसीटीवी सिस्टम तो लगा हुआ है लेकिन कंप्यूटर गायब है। वन मिनट, लेट मी चेक विद माय टीम। मेरी टीम ने रेड की थी, शायद उनके पास। रात के 12 बज रहे हैं और आप सस्पेंडेड हैं। आपको लगता है आपकी टीम आपका फोन उठा लेगी? हो जाता है, सो गया होगा। अच्छा, डोंट वरी, जो बाहर प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म है ना, हम उनके कैमरा से फुटेज उठा लेंगे। लेकिन घर के अंदर की फुटेज किसने गायब की, मैं ये सोच रही हूँ। नासिर, ऑब्वियसली जब वो बेल पे निकला था। देखो, अगर इस घर के अंदर कुछ भी इनक्रिमिनेटिंग है तो कोई इंटेलिजेंट इंसान वो सारा एविडेंस यहां से उठा ले, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, हार्ड ड्राइव्स, कंप्यूटर, ताकि वो रिकवर ना हो सके। आई प्रे कि मेरी टीम के पास ही हो।
सो केस शुरू होता है 11 तारीख की रात पिछले पहर सूटकेस में मिलने वाली लाश से, जिसे एक लड़की रिक्शे में लेकर आती है और बस स्टेशन पे छोड़ के चली जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि उसे वहाँ क्यों लेके आई, उसे बस स्टेशन पे क्यों लेके आई, वो उसे कहीं पे भी लेके जा सकती थी, उसे नदी में फेंक देती, दरिया में फेंक देती, वो उसे वहाँ क्यों लेके आई? That's a very valid question. अगर वो छुपना चाहती थी तो वो उस तरह रिक्शे में बैठ के वहाँ पे ना आती। उसे पता था वहाँ पे CCTV कैमराज हैं और उसे पता था कि वहाँ पे उसे कोई ना कोई देख लेगा। हाँ ठीक है, उसने अपने आप को कवर किया हुआ था और वो सब कुछ, लेकिन फिर भी उसे अंदाज़ा तो था ना, तो वो वहाँ क्यों आई? सूटकेस से मिलने वाली लाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से हलाकत दिखाती है। जहर सोडियम साइनाइड है। बैग में से एक बोर्डिंग पास मिलता है जो जरिश नाम की लड़की का है, जबकि लाश के फिंगरप्रिंट्स बताते हैं कि वो किसी आमना तुफैल नामी लड़की के हैं, और आमना तुफैल साहिवाल से है, लाहौर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, सोशल मीडिया स्टार है, उसके घर वालों से उसके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, एक बहन है जिससे वो रابطे में है, बाप और भाई नाखुश हैं। तो उसके बैग से बोर्डिंग पास मिला है तो मतलब यही है ना कि बैग उसका है। तुमने उसके ख़ानदान से बात की है? सवाल ये पैदा होता है कि वो बैग को वहाँ क्यों लेके आई, और जिसने उसका मर्डर किया है उसने उसको उसी बैग में क्यों डाला? वो उसको किसी भी बैग में डाल सकता था। Why that bag? रिक्शे वाला ट्रेस नहीं हो पाता, वो लड़की ट्रेस नहीं हो पाती क्योंकि सर्विलेंस कैमराज वॉन्ट वर्किंग। आखिरी फ़ोन कॉल 7:00 पे होती है और उसके बाद उसके फ़ोन पे मिस्ड कॉल्स मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो कोई कॉल रिसीव नहीं करती। 10:00 तक फ़ोन ऑन रहता है और फ़ोन की आखिरी लोकेशन जावेद नामी आदमी के घर की है जहाँ लोकेट हो रहा है, और वो जो आदमी है वो बतूल का एक्स हस्बैंड है। उसके बाद फ़ोन बंद हो जाता है। तो जिन 5 लोगों से उस दिन उसकी बात हुई थी उनमें से एक बतूल है, उनमें से एक नासिर है जिसको तुम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, और एक उसका भाई है, क्या था उसका नाम? तौहीद। तौहीद जिसको तुम लोग इंटेरोगेट कर रहे हो। एक वो कैब ड्राइवर है जो उसे पिक एंड ड्रॉप करता था, असलम। और एक वो ट्रांसजेंडर है, ईमान, जो खौफनाक धमकियां देती थी उसे फ़ोन करके, और उसके घर से वो चादर और जूते मिले हैं जो हमें CCTV पे नज़र आए थे बिल्कुल, लेकिन वो जूते ईमान के साइज़ के नहीं। तुमने कैब ड्राइवर से बात की थी? नहीं, DSP ने बुला के इंटरव्यू किया है। सारा, कम से कम उससे बात तो करनी चाहिए थी, उसने एटलीस्ट सीन हिम वंस यार। अब उस दिन जरेश का फोन कहाँ कहाँ पे था? उसके किराए के घर पे, उसके बाद जेल रोड, वहाँ से फिर जौहर टाउन, और फिर उसके बाद जावेद के घर, आखिरी लोकेशन। तो मुझे लगता है कि उसका जो मर्डर है ना वो इनमें से एक लोकेशन पे ही हुआ है। करेक्ट। हमें इन सब के, जावेद, असलम, वो ईमान, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के इनकी उस दिन लोकेशंस ट्रेस करनी चाहिए। क्या इनमें से कुछ लोग आपस में रابطے में थे? ये सब एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि नासिर का बतूल के साथ भी अफेयर है और वो जरिश से शादी करने वाला था, और तौहीद नासिर को भी जानता था। क्या ईमान और असलम एक दूसरे को जानते हैं? और अगर जानते हैं तो किस कैपेसिटी में जानते हैं? ईमान को तुम लोगों ने अरेस्ट कर लिया और असलम कैब ड्राइवर है। कैब ड्राइवर रिक्शा ड्राइवर भी तो हो सकता है। माय गुडनेस, हाउ कुड आई मिस इट? क्योंकि तुम पाकिस्तान में अभी नहीं आई हो, और ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते साथ ही जो पहला बंदा अंदर आता है वो नासिर था, और नासिर तुम लोगों का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। उसके बाद जावेद, और फिर तुम लोगों ने जब ईमान को इंटेरोगेट किया, उसके घर पे रेड करवा दिया, और रेड करवा के उसके घर से जो एविडेंस मिला, उसके बाद तुमने उससे पूछा कि वो जिस रिक्शा ड्राइवर के साथ आई थी वो वही था कि यार कोई और था? ईमान तो इस कत्ल से मुनकर है। वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं, ना मैंने कोई कत्ल किया, ना मैं किसी रिक्शा ड्राइवर को जानती हूँ, और ना ही मैं किसी लाश को सूटकेस में छोड़ कर आई हूँ।
सारा, अगर कातिल कत्ल से मुनकर है तो तुम लोग पब्लिकली किस तरह अनाउंस कर सकते हो कि तुम लोगों को पता है कि कातिल कौन है? मुझसे ज्यादा मेरी टीम को, डीआईजी को, चीफ मिनिस्टर को कातिल अनाउंस करने की पड़ी थी, क्योंकि उसके घर से एविडेंस मिल गए थे। तो जावेद उसका एक्स हस्बैंड है, नासिर के साथ उसका करंट अफेयर है, और जरिश जो है उसके साथ उसकी दोस्ती है। पीछे रह गए तौहीद, ईमान और असलम। तो इन लोगों का उसके साथ क्या रिलेशन था? हमें असल में बतूल के सारे जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उनको ट्रेस करना है और देखना है कि उन दिन बतूल किन किन जगहों पे थी। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।